और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट 50 को, सॉरी 51। इसकी नंबरिंग करो, ये असाइनमेंट पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज 51। नंबरिंग करते जाना फाइल में, नहीं तो गुम जाओगे कि कौन सी असाइनमेंट पहले कौन सी बाद में, मेरे को नहीं पता लगता। अगर मैं कंप्यूटर में नंबरिंग ना करूँ ना, और मेरे को आप ऐसी दे दो, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा कि कौन सी पहली असाइनमेंट है कौन सी बाद में। तो आप अपना तो सोच ही लो, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी सुनने में बहुत आसान, क्या है एनर्जी? एमजीएच। अभी तक तो यही किया, एमजीएच होती है, लेकिन आज का लेक्चर आप मानोगे नहीं, सिर्फ एमजीएच के ऊपर ही है। टाइम खत्म हो जाएगा, ये शीट खत्म नहीं होगी, सिर्फ एमजीएच ही होता रहेगा, ठीक। तो देखो इसको लिखने का, समझाने का क्या तरीका है, फिजिक्स वाले लोग कैसे समझाते हैं चीजों को, इसको एक बार समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फिग्रेशन। मैं कहता हूं इससे मुश्किल डेफिनेशन नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी की, पढ़ के देख लो। अब समझ के करना तो ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पहला, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटी का फील्ड क्या कहता है आप, कि पत्थर नीचे ही आए, हर चीज को वो नीचे खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, और आप इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड चाहता है कि आप नीचे जाओ, लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो? उसके ऑपोजिट, पत्थर को उसके ऑपोजिट लेके जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन तो है ही है, जिस पोजीशन पे आप पत्थर को लेके जाओगे उतनी एनर्जी उसमें भरती जाएगी। और बाय इट्स कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन वर्ड कैसे यूज करते हैं? कॉन्फिगरेशन का मतलब, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने एक टॉय लिया, उसमें चाबी दी, वो टॉय थोड़ी देर में भागेगा, छोड़ दोगे तो। क्यों? वो चाबी देने का मतलब अंदर स्प्रिंग फोल्ड होता जाता है, स्प्रिंग लपेटते जा रहे हो, बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जब वो स्प्रिंग खींच खींच के आपने पूरा टाइट कर दिया और खींच नहीं सकता, छोड़ दो, तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। वो जैसे ही अनफोल्ड होगा, टायर घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, टॉय मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो यही लॉजिक है, बस उसमें कुछ नहीं है, उसमें स्प्रिंग ऐसे लगे होते हैं, स्प्रिंग को चाबी दे के आप बड़ा कर देते हो, फिर वो छोटा हो जाता है, ठीक। यही लॉजिक है। तो इसको बोलते हैं आपने स्प्रिंग की कॉन्फिगरेशन चेंज कर दी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, आपने उसको बड़ा कर दिया या कंप्रेस कर दिया, उसकी कॉन्फिगरेशन चेंज की, तो स्प्रिंग, तो ठीक बोला उसने, पोटेंशियल एनर्जी या तो पोजीशन की वजह से है या फिर उसकी कॉन्फिगरेशन की वजह से है। तो कॉन्फिगरेशन नॉर्मली स्प्रिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम म्यूचुअल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से मैंने आंसर दिया।
अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, छत पे पत्थर रखोगे ग्राउंड से ऊपर उठा के, तो उसको वर्क डन किया होगा आपने उसको ऊपर रखने के लिए, वो जो वर्क डन है उसमें भर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी एग्जाम्पल है कॉन्फिग्रेशन, टॉय वाला एग्जाम्पल दिया, स्प्रिंग को वाउंड कर दिया, घुमा दिया, पोटेंशियल आपने वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी भर गई उसमें स्प्रिंग एनर्जी, अब वो खुलती जाएगी और टॉय मूव करता जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स पढ़े थे, या तो पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर इलास्टिक, लेकिन एक्चुअल में तीन होती हैं, प्लस वन में दो हैं, प्लस टू में एक है। तो प्लस वन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी की वजह से, कैसे, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर। ये अर्थ और वो पत्थर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर आप अगेंस्ट अट्रैक्शन पत्थर को ऊपर उठाते हो, तो अगेंस्ट अट्रैक्शन उठा रहे हो, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो जो हाइट अटेन कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, वो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्यों अराइज होती है, स्टेट ऑफ कंप्रेशन या एक्सटेंशन, तो या तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा, तो कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा तो उस केस में एनर्जी भर जाएगी, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तीसरी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ये चार्जेस की वजह से होती है जो प्लस टू में स्टडी किया जाएगा, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है वो पास नहीं आना चाहते पर जबरदस्ती आप उन्हें पास लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, छोड़ के देखो वो वापस चले जाएंगे, उनमें क्या भर गई, एनर्जी। हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, राइट, पर हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, प्लस टू में करेंगे, अभी बस उन दोनों को करेंगे। ठीक, तो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी बढ़िया डेफिनेशन लिखी इसने, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हो, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। क्लियर है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन में लेट अस सपोज ये ब्लॉक है, आपने एच हाइट पे रख दिया, आपने वर्क डन कितना किया, ये वर्क डन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से देख लो, मैंने वर्क डन किया कि ग्रेविटी ने वर्क डन किया, इनमें फर्क होता है। जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक का वेट क्या था, mg, ठीक, मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले गया, कितना ऊपर ले गया, एट अ हाइट ऑफ h, तो मैंने क्या लगाई होगी इसके ऊपर, फोर्स, कितनी लगाई होगी, mg, ये फोर्स किसने लगाई, मैंने लगाई, ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है, mg, वेट जो फोर्स है वो ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी, कोई डाउट इसमें, तो ग्रेविटी फोर्स mg लगा रही है, मैंने फोर्स F लगाई। तो अब अगर आप मेरा वर्क डन पूछो, मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने, तो मैं फोर्स अपनी लूंगा F, कहां, डायरेक्शन बोलो, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, लॉजिक क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा, F की जगह m g h, ये वर्क डन मैंने किया, फिर से इस ब्लॉक को मैंने ऊपर उठाना है, फोर्स कैसे लगाऊंगा, ऊपर कितनी लगाऊंगा, जितना बॉडी का वेट है, फोर्स ऊपर लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो जाएगी, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0, इधर नहीं देखना अभी आपने, मेरी फोर्स है ना, तो मेरी फोर्स को देखो, F को, 0 हो गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर अब कोई कहता है कि मेरे को तो यह बताओ कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, अब ग्रेविटी तो ये चाहती नहीं कि ब्लॉक ऊपर जाए, ग्रेविटी की फोर्स के लिए अब इसको भूल जाओ, अब ग्रेविटी फोर्स हमेशा कहां लगाती है, ग्रेविटी तो ऊपर लगाती नहीं, ग्रेविटी तो नीचे लगाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, ऊपर, तो ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h, और एंगल क्या हो जाएगा, 180, फर्क हो गया ना, कि जो ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया वो चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, आपको लगता नहीं ग्रेविटी अपोज कर रही है आपको,
ग्रेविटी अपोज करे तो अपोजिशन का वर्क डन कभी पॉजिटिव आता ही नहीं, अपोजिशन का वर्क डन नेगेटिव आता है। तो ग्रेविटी से पूछो तूने कितना वर्क डन किया, तो ग्रेविटी कहेगी माइनस एम जी एच। देखो देखने के नजरिए में फर्क है, मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव है पर ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है। अच्छा अब एक काम करते हैं, ब्लॉक को नीचे ले आते हैं। अब अगर ब्लॉक को लेट अस सपोज ऊपर से नीचे लेके आए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है एच। चलो एक काम करते हैं, मैंने फोर्स लगाई नीचे की तरफ एम जी, मेरा वर्क डन तो हर हालत में पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सटर्नल की बात करता हूं तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी नीचे, तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव। मेरा तो वर्क डन ऊपर जाने में भी पॉजिटिव है नीचे आने में भी पॉजिटिव है, क्लियर है। पर ग्रेविटी का वर्क डन देखो, ग्रेविटी का वर्क डन नीचे आने में क्या होगा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे एंगल कितना जीरो, तो आंसर क्या आएगा एम जी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, वो हेल्प कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव। ऊपर जाते हुए ग्रेविटी क्या चाहती थी कि ब्लॉक ऊपर ना जाए, तो वर्क डन नेगेटिव, क्लियर है। तो जब ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं और ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, मेरा नहीं, मेरा तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो जाएगी, मेरा नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे है मेरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और वही ब्लॉक जब ग्रेविटी में नीचे उतरेगा तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो नेगेटिव, और फेवर ऑफ ग्रेविटी में आएंगे तो पॉजिटिव, अमाउंट विल रिमेन सेम एम जी एच और माइनस एम जी एच। तो एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक को एच डिस्टेंस ऊपर लेके गया तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, माइनस एम जी एच, ग्रेविटी ने, मैंने तो एम जी एच किया, ग्रेविटी ने माइनस एम जी एच किया, और नीचे आते हुए ग्रेविटी ने एम जी एच किया, तो टोटल वर्क डन राउंड द ट्रिप में ग्रेविटी ने क्या किया जीरो, जाने का और आने का जीरो, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। और अब मानोगे नहीं, मैं 1 घंटा सिर्फ यही बोलता रहूंगा, बस यही बोलता रहूंगा कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ग्रेविटी जीरो करेगी अलग अलग तरीकों से, ठीक। आजकल इतना ही है, बस एक लाइन में समझा दो, ओके डन, समझ में आ गया, और डीप चले जाओ आप कहोगे यार चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं, ठीक। देखते हैं और अंदर चलते हैं, और डीप में चलते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी रोक रही है आपको, हाँ? ठीक है, करें आगे। देखो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी में सपोज करो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक एच डिस्टेंस ऊपर आपने उठाना है। आप एक काम करो, पहले डिसाइड कर लो वर्क डन कौन करेगा, मैं ही करता हूँ, ग्रेविटी तो नहीं चाहेगी कि पत्थर ऊपर जाए, मेरे को ही करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे जितना मैं काम करूंगा वो इस ब्लॉक में भर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेव हो जाएगी। करें तो मैंने इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए फोर्स कितनी लगाई एफ, कहाँ लगाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी ऊपर, ये फोर्स मेरी फोर्स है तो एंगल दोनों के बीच में जीरो। फोर्स मैंने कम से कम कितनी लगाई, जितना बॉडी का वेट है इंटू एच, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर क्या आया एम जी एच, ये मैंने वर्क डन किया। ग्रेविटी का तो नेगेटिव होता है पर मैंने कितना किया एम जी एच, ये वर्क डन स्टोर हो गया बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या लिखेंगे यहां पर, यू, बड़ा यू, तो बड़ा यू का फॉर्मूला एम जी,